आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर। तो इसे हम इंटीग्रल I से डिनोट कर देते हैं। तो ये है इंटीग्रेशन dx और डिवाइड में है a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर हम डिनोमिनेटर में से ये जो टर्म है इसमें से cos x कॉमन ले लेते हैं तो ये cos square x के फॉर्म में बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो अगर हम cos x कॉमन लेते हैं तो cos square x के फॉर्म में ये बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dx, बाहर आ जाएगा cos square x, ठीक है। अब यहाँ पे a sin x है तो इसमें cos x की तो टर्म है नहीं, तो हम इस पूरी टर्म को cos x से डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगा a into sin x डिवाइड बाय cos x, और sin x बाय cos x होता है tan x के इक्वल, तो ये बन गया a tan x। और प्लस में यहाँ पे b बच गया, क्योंकि b cos x में से cos x जाएगा तो सिर्फ b बच जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर है इधर, ठीक है। तो cos square x को हम ऊपर भेजेंगे अगर, तो sec square x बन जाएगा। तो इंटीग्रल I बन गया इंटीग्रेशन sec square x dx और डिवाइड में है a tan x प्लस b का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम tan x, a tan x प्लस b को t अज्यूम कर लेते हैं, a tan x प्लस b, इस पूरे को अगर हम t माने तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा, a tan x का डिफ्रेंशिएशन तो आ जाएगा a sec square x और b का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन बन गया a sec square x dx और t का डिफरेंशिएशन होगा dt। तो ऐसा आ रहा है sec square x dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइड बाय a। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो sec square x dx की वैल्यू होगी dt डिवाइड बाय a, और यहाँ पे हमारे पास sec square x dx है तो ये बन गया dt अपॉन a, और a tan x plus b को हमने t माना है तो ये है t square। तो इंटीग्रल I बन गया इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाय a और इंटू में t square, ठीक है। अब ये जो a है डिवाइड में ये कांस्टेंट है, तो इसे हम इंटीग्रल के बाहर लिख देते हैं। तो ये आ गया 1 अपॉन a इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाय t स्क्वायर। ये आ गया, तो इंटीग्रेशन dt बाय t स्क्वायर ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस 1 अपॉन t के इक्वल। तो ये बन गया माइनस 1 डिवाइड बाय a इंटू t, ये पूरा इंटीग्रल आ गया। और प्लस में हम कॉन्स्टेंट c भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल I आ गया। अब t हमने किसे माना है, t माना है हमने a tan x plus b को, तो पुट कर देते वापस हम वो, तो इंटीग्रल आई बन गया माइनस वन डिवाइड बाय ए इंटू ए टेन एक्स प्लस बी और प्लस में आएगा कॉन्स्टेंट सी। तो ये हमारे पास इंटीग्रल आई आ गया, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।